प्रसाद लो, ये ले। माँ बापू भी तक नहीं आए, सोनशाह कहाँ गए होंगे? फिर तो जरूर शराब पी रहे होंगे। दोनों गांव के ठाकुरों की दोस्ती में फर्क डालने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। फर्क डालने वाला पैदा हो गया है ठाकुर। जानते हो कल चौराहे में खड़ा होकर नथू तुम्हारे बारे में मुझे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि कल्लू की बीवी के साथ तुम्हारे नाजायज तल्लुकात हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अगर टंगुरायन ने सुन लिया तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। फिर तुम ऐसे काम छोड़ क्यों नहीं देते? ठाकुर तुम तो जानते हो कोरा रंग मेरी नहीं मेरे बुजुर्गों की भी कमजोरी थी। खूबसूरत औरत देखकर रहा नहीं जाता, और कल्लू की बीवी बहुत ही खूबसूरत है। कहो तो दिखा दो। तुमने बहुत पी ली, बह गए हो, मैं अब चलता हूँ। मगर याद रखो बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। अंजाम अंजाम को छोड़ो, जाम पियो। क्या अपना ठाकुर ठाकुरायन से बहुत डरता है? मारो 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 मारो। आज भी पीकर आए हो? सोहन ठाकुर की आदत तुम जानती हो, जब कभी मिल बैठे बगैर पिलाए आने नहीं देता। मुझे तो डर लगता है कहीं वो आपको भी अपने जैसा ना बना दे। 20 बरस हो गए हमारी दोस्ती को, आज तक तुमने उसकी कोई भी बुरी आदत देखी है मुझमें? हाँ हाँ बोलो बोलो। और तो कोई नहीं, लेकिन ये जो जहर पी रखा है ना आपने, ये सारी बुरी आदतों की जड़ है। ये बात है तो तेरी कसम आज से हम कभी शराब नहीं पियेंगे। लो कान पकड़ते हैं। बापू माँ के नहीं अपने कान पकड़िए। अपने? अरे धर्म जी तू अभी तक सोया नहीं? मैं तो क्या कोई भी नहीं सोया। कोई भी नहीं सोया? हाँ जी। तो फिर तुम जागो बेटा, हम सोते हैं। हेलो पापा। हाय सनी, कम जॉइन मी, पियो पियो। क्या कहा? ये नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? ये जरूर पिएगा, इसका बाप भी पिएगा। खबरदार जो तू बाप और बेटे की बातों में बोली। भगवान के लिए इसे मत पिलाइए, आप क्यों इसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं? लगता है अपने जैसा ही बना के छोड़ेंगे। हमारा बेटा हम जैसा नहीं बनेगा तो और किस जैसा बनेगा? ये बात है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। रंजीत को विलायत इसके मामा के पास भेज दूंगी। जा जी चाहे से भेज दो, ये हमारा बेटा है, इसकी रगों में हमारा खून दौड़ता है, और मुल्क या जगह बदलने से खून नहीं बदलता ठाकुरायन। ओ ठाकुर। हाँ हाँ ठाकुर। क्या हालचाल है भाई? जमींदार का हाल तो उसकी फसल से होता है। फसल अच्छी तो हाल अच्छा, और फसल बुरी तो हाल भी बुरा। और बाकी रहा हमारे चाल चरण का सवाल, उससे तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। शायरी के मूड में हो। कहो आज हमारे गांव का रास्ता कैसे भूल गए? दिल्ली बेटे को छोड़ने गया था, रंजीत को उसके मामू के पास विलायत भेज दिया है। आखिर माननी पड़ी ना घरवाले की बात। बोलो क्या पियोगे, लस्सी मंगाऊं? छोड़ो दोस्त, लस्सी भी कोई पीने वाली चीज है? जो हमारे पीने वाली चीज है वो तुम घरवाली के डर से पिला नहीं सकते। वहीं आ जाना, हमारे यहाँ जश्न मनाएंगे। अरे रामू आ गया तू, ले आ बहू को, जीता रहे। ठाकुर रामू हमारा नौकर नहीं, घर का आदमी है। ठाकुर साहब। क्या हुआ? रामू की बीवी ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? क्या हुआ? ये सब मरते वक्त इसकी जबान पे सोन ठाकुर का नाम था,
अरे साहब साहब क्यों नहीं बताता कि सोन ठाकुर ने इसकी इज्जत लूटी है। बेचारी ने लोक लाज के डर से आत्महत्या कर ली। अरे ठाकुर उसने तो तेरा घर भी नहीं छोड़ा, बड़ा दोस्त समझता था। ठाकुर चले आ मेरे दोस्त के लिए एक पैक बना। एक कमीने दुश्मन से यह उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन तुम जैसा जिगरी दोस्त ऐसी कमीनी हरकत करेगा ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या कह रहे हो ठाकुर? तुमने रामू की बीवी की इज्जत लूटी और उसने लोक लाज के डर से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, मर गई। ले हमारी तरफ से उसकी कफन डाल देना। कफन डाल देना। गवाहों के बयानात के मुताबिक दयाराम बल खुशीराम पर सोहन शाह बल किशन शाह के कत्ल का जुर्म साबित होता है। जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत सजाए मौत दी जाती है। डॉक्टर साहब 2 दिन से इन्हें होश नहीं आया, अब आप ही बताओ क्या करें। मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं पर कोई भी दवा का इन पर कुछ असर नहीं। जब दवा असर ना करे तो दुआ असर करती है। आइए हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करते हैं। Thank you.
धन्य है देवी माँ, तेरी कृपा से ठकुराइन ठीक हो गई। तू धन्य है देवी माँ, तू तेरी महिमा अपरंपार है। चाचा, चाचा माँ को घर बार का सारा काम अकेले करते देख मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखा देता हूँ। सच चाचा, मैं अभी माँ को बोल के आता हूँ। बोल क्या? माँ, 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 चाचा ने अपने साथ मुझे ट्रक में काम दे दिया है। माँ, दो बेटों के होते हुए माँ तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ट्रक में काम करूंगा, कर्मा खेतों में। मैं जाऊँ ना माँ? तू भी जा रहा है धर्मा, जल्दी आना बेटा, अब मुझे ये घर सोना लगने लगा है। पथ पर चलती जाए ये जी
किसी को बिगाड़े और किसी को बनाए, जो चाहे सो पल में कर दे, डर नहीं उसे किसी का, ये है खेल मुकद्दर का, खेल मुकद्दर का, खेल मुकद्दर का। अरे तोता राम। हाँ जी। जरा ऑयल पानी चेक कर ले। किसका ऑयल पानी चेक करना है जी, जरा हमें बताओ। अरे साले गाड़ी का और किसका। अच्छा गाड़ी का जी। हाँ भाई जी आप कहाँ जा रहे हैं। मैं सर अपना चेक कर लूँ। भाई जी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल पानी चेक करो। मैं? हाँ मैं कैसे करूंगा, तू डिसमिस हो जाएगा, मैं बताऊँ तू काम नहीं करता। तू नहीं, नहीं। चलो फिर, चलो फिर मैं सिखाता हूँ। हो गया मैम साहब, टायर पंक्चर हो गया है। ओ, बदली कर दूं? जैक मेरे पास नहीं है। जैक तो मेरे पास है, आइए दो। आइए आइए, घबराइए मत, आइए। जल्दी से सारे जेवर उतार दो, लाओ। हमने तो 15 मिनट हो गए आयल पानी चेक कर लिया, भाई जी का अभी आयल पानी चेक नहीं हुआ। चलो जरा देखें। चले? हाँ चलो चलो। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो। माफ कर दो। अभी करता हूँ। मांग बहन से माफी। बहन जी हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोग नहीं, इसने माफी मांगनी है। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। भाग यहाँ से। क्या बात है ये लोग? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और ये बदमाश मुझे धोखे से यहाँ ले आया। ओह ये बात थी, तो चलिए हम गाड़ी का टायर बदली कर देते हैं। यो यो आ जाओ। कोई बात नहीं जी, अभी अभी लो, अभी अभी। ये तो बहुत बड़ा पंचर लगता है जी। भाई जी मैं ट्रक का जग लेकर आता हूँ। अबे रहने दे, अंग्रेजी साबन दानी को ट्रक का जग कैसे लगाएगा। हाँ। तुम जाकर पाना लाओ, इसे उठाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। पाना लेकर आ जल्दी। अरे पाना लेके उधर तेरा बाप खड़ा है, जल्दी जा। लीजिए गाड़ी तैयार। आपका नाम? मेरा नाम धर्म, ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मकान नंबर 4 सेक्टर नंबर 22। कभी आओ तो जरूर मिलना। अच्छा। यू आर अ ग्रेट मैन। जी यस, यू आर रियली अ ग्रेट मैन। थैंक यू। धर्म को क्या हो गया? बस हमारा उस्ताद यही मार खा गया।
हम बेहोश हो जाएं तो जिम्मेदार है हु? हमारे पप्पी लेकर देखो। अच्छा हाँ जी। चौदह सौ, पंद्रह सौ, सोलह सौ, सत्रह सौ, अठारह सौ, उन्नीस सौ। मुनीम जी ये क्या है, तीस गोनी माल और पैसे बीस गोनी के? हाँ, तीस गोनी में से जो दस गोनी कंकड़ पत्थर निकले उसके कैसे पैसे? ये बिल्कुल बेईमानी है। क्या तू मुझे बेईमान कहता है? साला, हाथ पीछे रख के बात कर। तुम कौन हो? तेरा बाप। क्या? मेरा नाम करम सिंह है लाला। तुम इस इलाके में नए आए लगते हो, इसके पैसे से दे दो। नहीं देता। क्या अरे बाप रे, निकाल पैसे निकाल। देता हूँ देता हूँ, मुझे तो छोड़ो। अरे रंजीत आओ, आ जाओ। क्या हुआ लाला? गुंडा जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, और बुला गुंडे। नहीं नहीं, गलती हो गई। गलती हो गई? तो कितनी बोरियां थी? पच्चीस। क्या? नहीं तीस। तीस। निकाल पैसे। तीस। निकाल पैसे। देता हूँ। जा। कितने पैसे बनते हैं? आप ही ले लो। ये ले। फिर करेगा भाई? नहीं नहीं। ये लो। ज्योति ज्योति, तू अभी तक सो रही है? चंडीगढ़ नहीं जाना? जाना है। कमाल है। लो चाय पी लो और तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। माँ मैं आ गया। आओ बेटा। पाए लागू। जीते रहो। माँ ये लो कलकत्ते के हरेक पैसे। ये क्या भैया, तुम जब भी आते हो माँ को पैसे देते हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं? तुमने पैसे क्या करने हैं? अबे ला। अबे गधे, ये लो तुम्हारे लिए। चल चन्नी चल। चांद चाचा जी कैसे हैं? अच्छे हैं। माँ करण कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भैया। माँ ये लो फसल की कमाई, गिन लो गिन लो। ये कौन है भैया? ये मेरा नया क्लीनर है। लोटारा? वो तो शक्ल से दिखाई दे रहा है। चांद चांद। चाचा। अरे धर्मा कब आए? अभी भी आया चाचा। सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है चाचा। यहाँ चांद तो नहीं आई? अंदर ज्योति के पास बैठी है। सारा दिन ज्योति ज्योति, बड़ा प्यार है इन दोनों में। हो भी क्यों ना चाचा, दोनों बचपन की सहेलियां ना। चल माँ मैं ज्योति को छोड़ा हूँ। आओ बैठो चाचा। हाँ बैठो। और सुनो लोटे, जाकर गाड़ी साफ करो। भाई साहब वो चाय वाय फिर पी लेंगे, कभी भी पी जा सकती है। चाय पूछते नहीं, गाड़ी साफ कर। हाँ चाचा। पास पड़ोस में जरा मिलने जुलने जा रहा था। अच्छा तो मेरा बापू मिलने जुलने जा रहा है? मिलने जुलने छिल्ला छल्ला भी पड़ता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, छिल्ला छल्ला क्यों पड़ता है? तो फिर इसे क्यों ले जा रहे हो? हाँ गुड्डी देख, दराती मुझे दे दे। मान जा दराती मुझे दे दे। नहीं देख ले वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। यही ना, आखिर बात सुन लो बापू, अगर तुम काम पे गए ना तो मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। खाओ मेरी कसम। इस उम्र में तू क्यों मुझे शर्मिंदा करना चाहती है बेटी? बेटी मत कहो बापू, बेटा कहो, जो तुम हमेशा मुझे प्यार से कहते हो। झूठ कहते थे क्या? अरे बापू अपनी इस गुड्डी को सचमुच की गुड्डी मत समझो, ये गुड्डी कई गुंडों का मुकाबला कर सकती है, एक फौलादी चट्टान की तरह।
किस साले की हिम्मत है कि मेरी तरफ आंख उठा के देखे? किस साले की हिम्मत है कि मेरी तरफ आंख उठा के देखे? साले की आंख फोड़ दूंगी। किस साले की हिम्मत है कि मुझ पे हाथ उठाए, उसका हाथ नहीं मरोड़ दो। चलो बापू। रामगढ़ के लिए सवारी मिलेगी कोई? रामगढ़ के लिए? जी रामगढ़ के लिए इस वक्त तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। हाँ मैं भरतगढ़ जा रहा हूँ, कहो तो रास्ते में आपको छोड़ देता हूँ। ओके आइए। राइट। ये तो ठाकुर सोहन शाह की कोठी है। जी मैं उन्हीं का लड़का हूँ। ओ आई सी, तो आप ठाकुर सोहन शाह के बेटे हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर टू मी। लेकिन आपने अपनी इंट्रोडक्शन तो दी नहीं। मैं ठाकुर दयाराम का बेटा कर्म हूँ। ओ फिर तो मुलाकात होती रहेगी। क्यों नहीं माँ? रंजीत तू? हाँ माँ। जी तेरा बेटे, कितना बड़ा हो गया है मेरा लाल। देख मैं अभी तुझे ही चिट्ठी लिख रही थी, अपने आने की खबर तो दे दी होती। माँ मैं तुम्हें अचानक खुशी देना चाहता था। बड़ा अच्छा किया, चल अंदर चल। आप? मैं गुड्डी हूँ, ज्योति की सहेली। ज्योति घर में नहीं है? ओ मैं करम, ज्योति का बड़ा भाई। आइए ना कुछ ठंडा कुछ गर्म चाय भाई। ज्योति नहीं है घर में? ज्योति ज्योति चंडीगढ़ गई है। अच्छा। तो क्या हुआ, आप आइए ना, कुछ गर्म कुछ ठंडा कुछ। नहीं, शुक्रिया। किताब खोलती हूँ तुम ही तुम नजर आते। फिर तो तुम बात हो चुकी। तो मैं क्या करूँ, ये मेरी बस की बात थोड़ी है, ये तो दिल की बात है। मुझे तो ये लगता है ना तुम पास होगी ना मैं पास होऊंगा। मेरे पापा ने एक ही शर्त रखी है, जो मैं फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा तभी हमारी शादी हो सकती है। और अगर मैं फेल हो गई ना तो मेरे भाई मुझे जान से मार डालेंगे। ए, हाँ? सुनो एक काम करते हैं। हुँ? जब तक इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते। हाँ? न तुम मुझसे मिलोगी न मैं तुमसे। और इम्तिहान खत्म होते ही हम इसी जगह इसी वक्त मिलेंगे। हुँ? अच्छा तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। ए, हाँ? आज तो ठीक तरह से मिल लें, कल से नहीं मिलेंगे। रंजीत ये है अपने नए मुनीम जी। नमस्ते सरकार। बेटे ये दूर दूर जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है सब अपनी ही जमीन है, अब इसको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुनीम जी, जी। रंजीत को यहाँ का काम समझा दो और बाकी सब नौकरों से मिलवा दो। आइए सरकार। राज, शम्मी, शशि, ऋषि, रणधीर, अमिताभ और सरकार, ये अपना खास चमचा जग्गू। आइए सरकार, मैं अब आपको खेतों की तरफ ले चलूं। ये दूर दूर तक नजर आ रही हरी भरी फसलें आपकी हैं सरकार। और अबे फसलों को छोड़,
ये बता ये फूल किसका है? अपना ही समझिए सरकार, इसी फूल से तो चमन में बहार है, महक है। लेकिन ये महक हमारे चमन में कब आएगी? आएगी, जरूर आएगी, इतनी बेसब्री भी क्या है, अभी तो आप आए हैं, आइए आइए। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हो गया ना? हाँ। मुझे मालूम था ये होगा, ये एक ना एक दिन जरूर होगा। अबे सुनना। पर वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती। ओ। कोई ऐसी तरकीब लड़ा हाँ। जिससे वो मुझे प्यार करने लगे। बस ये तो यूं यूं। कैसे भाई साहब? आप मुझे लड़की दिखा दीजिए। दिखा दूंगा मैं लड़की को, छेड़ूंगा और आप ऊपर से आना और मुझे जोर जोर से पीटना, ठे, ठे, ठे। मैं बेहोश, लड़की उठेगी, आपकी आंखों में आंखें डालेगी और आगे बढ़ेगी और आपको राखी बांधेगी। मेरा मतलब फंस जाएगी, फंसेगी ना। हाय, अरे कितनी सुंदर लग रही है, यही मौका है ठाकुर को खुश करने का। फिर तो इनाम भी काफी मिलेगा। हाँ आ जाओ। चलो आ जाओ। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ लगाया तो चल देखती हूँ तेरे साले ठाकुर को। चल। हाँ हाँ, तुमने चोरी की है। कौन कहता है मैंने चोरी की? मैं कहता हूँ। क्या चुराया मैंने? तुमने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद चुराई है। लगता है तू बहुत पी गया है। पीनी कहाँ से थी, बोतल तो अब आई है। आपने कहा था ना मुलाकात होती रहेगी। अदा कैसे करूं? अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? आगे बढ़ेगी, आपकी आंखों में आंखें डालेगी और आपको राखी बांधेगी। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं 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 नहीं। अरे माथे से खून निकल रहा है। ओह अच्छा अच्छा, माथे पे पट्टी बांध रही हो, ठीक है। बेटे मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करूं। इसमें धन्यवाद करने की क्या बात है? बात है बेटे, बहुत बड़ी बात है। ये हवेली नहीं, कालकोठरी है। इसमें गई कोई लड़की कभी बाइज्जत वापस नहीं आई। अब उस हवेली में कभी किसी लड़की की इज्जत नहीं लुटने दी जाएगी।
मैं अपने बेटे की करतूतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। थपराइन, कवारी लड़की की आबरू शीशे की तरह होती है, जिसका टूटना फूटना तो दूर रहा, खामोश तक पसंद नहीं करते लोग। जानती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। समझ में नहीं आता, तुमसे दूर रहता हूं तो पास आने को जी चाहता है, और पास और पास। मना किसने किया है? हाय रब्बा! अरे मुनीम, हाँ जी, इस लड़के को पीटना है। जी हाँ, इसी को पीटना है। अरे इसको पीटने के तो वाकई पैसे लगेंगे। दूंगा 1,000। 2,000 पहलवान जी। अरे पहलवान जी चले कहाँ, 5,000 दूंगा। ये बात है? हाँ जी। तो मिलाओ हाथ, जाओ लड़ाई का माहौल पैदा करो। अबे लुच्चे बदमाश, तुझे गांव की बहू बेटियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? लानत है तुझ पर। क्यों लाला, ये तेरी बहू है या बेटी? ये बात है, आज तो मैं तेरी पिटाई का पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। तू पिटवाएगा? पहलवान जी, ये गुंडा मुझे छेड़ता है, आ जाओ। कहाँ चले गए, पकड़ लो। आप क्यों पीछे हटते हो, आप क्यों पीछे हटते हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। भैया ये क्या चक्कर है? ये बुढ़ऊ तुम्हें पिटवाना को चाहता है। ये जरूर रंजीत की शरारत होगी। ये बात है तो हो जाए ड्रामा, हो जाए। अरे पहलवान जी, गाली गलौज से तो मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई हाथ पांव चलाइए, टांग वांग तोड़िए इसकी। अरे ये लड़की कौन थी? मेरी माशो। कैसी लगी?
भैया लड़की से शादी कर लूं? हाँ कर लो। भैया आलू 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 खराब हो जाएगा। आलू फिर क्या हुआ? ब्राउन से पैसे भी तो लेने हैं। अच्छा तो आ जाओ फिर। देखता हूँ। हाँ क्यों लाला, और टक्कर लेगा मेरे से? बरमा जी ये क्या बड़ाऊ, इस लड़के का हाथ बहुत भारी है, मेरे बस का नहीं, मैं तो चला। पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी, और तेरा पहलवान भाग रहा है रे। मुझे इसके पास अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे कह दिया ना, इसका हाथ बहुत भारी है, इसको ये पैसे भी भारी लगेंगे। मैं दूंगा। कितने? जितने मेरे पास हैं। कितने हैं तेरे पास? 10 लाख। चल निकाल। पहले काम, पहले उसे मार मार कर बेहोश करो। अरे ये क्या लड़ेगा, ये तो ना लड़ने के बहाने बना रहा है। पहलवान अब तो ये तुम्हें चुनौती दे रहा है। ये बात है। ठीक देता हूँ, देता हूँ। पहलवान ये सारे ही ले लोगे? तो और क्या, मैंने सोचा था आधे आधे कर लेते। अरे 10 की बात नहीं हुई थी? कुछ कमीशन ही दे दो। चुप। अच्छा तो मैं उस बेहोश को उठा कर ले जाऊं, शायद मुझे वहां से नाम मिल जाए। अगर उठाना है हाँ। तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। हाँ। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं, ये सरासर बेईमानी है। अरे, अरे वाँ। वाँ। एक बेईमान से ही तो बेईमानी की है ना। हाँ? और फिर ये पैसे हमने कौन से अपने पास रखने हैं? किसी गरीब लड़की की शादी पर लगा देंगे। दूसरों की लड़की की शादी की बहुत फिक्र है, अपनी बहन के बारे में कभी नहीं सोचा। 2 महीने से चिट्ठी नहीं आई है। माँ तू तो खाम खा।
तुमने मेरे 10,000 रुपए मिट्टी में मिला दिए। तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो। सरकार, मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, मैं उनसे नहीं मिला हुआ। आप मेरी चाहे जान ले लीजिए, पर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। कैसे शक न करूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वो दोनों सगे भाई हैं? सरकार, मैं आपकी कसम खाता। उसको मैंने कबड्डी के मैदान में पहुँचने दिया तब न। ये रास्ते में कौन पड़ा है? अरे भैया, हम आप हम आपका स्वागत करते हैं। कहो तो कबड्डी यहीं खेल लें। बिसल बच गई। चलो देखा जाएगा, राम भली करेंगे। कबड्डी 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 जाने नहीं देना। कबड्डी 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 बोल बच्चे, और खेलेगा कबड्डी? नहीं नहीं तो भाग जा। बोल बच्चे, और खेलेगा कबड्डी? नहीं नहीं तो भाग जा। कबड्डी 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 कबड्डी। भाई साहब, इनके साथ और कबड्डी नहीं खेली तो इनको ले जाऊं? ले जाओ। अबे भाइयों, इस साल भी धर्मे और कर्मे की टीम जीती है। ये शील्ड और इनाम का ये 10,000 रुपया इन्हें दिया जाता है। मजा आ गया, कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। अरे भैया 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 भैया, रुक जा। कर्मा भैया, आप कबड्डी के मैदान में क्यों नहीं पहुंचे? अरे वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कबड्डी में क्या हुआ? हम जीत गए। हाँ। लेकिन वो जग्गू और लाला ने बहुत गड़बड़ की। ये बात है,
तो हम उनके साथ ऐसी गड़बड़ करेंगे कि उम्र भर याद रखेंगे। हाँ चलो हम जीत लें। अरे तू कहाँ चला? तू जा मंडी, जाकर साहूकार से पैसे। हाँ मंडी वो मुझे याद है जी, मैं ले आऊंगा। हाँ। मैं तमाशा देखता हूँ आपका। अरे तू तमाशा देखेगा तो काम कौन करेगा, तेरा बाप। चल अरे राजा संभल के मेरे, चल तू घर चल। श्याम, ए श्याम, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर ये मुंह क्यों फुलाया? मैं कहाँ? मैं सिर्फ दो दिन के लिए कॉलेज टूर पे जा रही हूँ, सारी उम्र के लिए तो नहीं। ज्योति, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कहीं हो गया तो मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। ज्योति, ये पढ़ाई हो रही है? माँ जी, आप हमारे प्यार को गलत मत समझिए, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। पढ़ाई करने भेजा है या खानदान की इज्जत नीलाम करने? शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे। पक्का हो जाना चाहिए, कहिए आप दहेज में क्या दे सकते हैं? मेहता जी, हम दोनों की एक ही तो बहन है, दहेज में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। नहीं, पहले लेन देन पक्का हो जाना चाहिए। आप ही बोलिए, आपकी क्या मांग है? मुझसे ना पूछो तो अच्छा। फिर भी आप बताइए तो। यदि आप दे सकते हैं तो निकालो रुपया। सवा सवा? हाँ, यदि हम तुम दहेज जैसी लानत को दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेहता जी, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। हमारी खुशकिस्मती है जो आपसे नाता जुड़ा। अब बताइए कि शादी का मुहूर्त कब निकलवाना है? आप मुहूर्त निकलवाने वाले कौन हैं? जी मुहूर्त मैं निकलवा चुका हूँ। अगले महीने की 15 तारीख को हम बारात लेकर आ जाएंगे। जाओ तैयारी करो। हाँ, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। अरे तुम पापा, आप पहले। गोरी काहे को, गोरी काहे करे इनकार, करके देख तले, करके देख तले तू प्यार, कहाँ तक हम है भला, कहाँ तक हम है भला, दिलदार सुन मेरी गोरिये, गोरिये घने दिए बोरिये, क्या झूठे करते हैं इकरार, रुसवा करते हैं, रुसवा करे तेरे बाजार, सुन मेरे बाल माँ, बाल माँ दिला दिया जाल Thank you.
अभी तो सिर्फ बारात आई है। ऐसी बातें ना कर, मुझे शर्म आती है। ले, मुझसे क्यों शर्मा रही है? शर्माना अपने दूल्हे से। कौन हो तुम? असली दूल्हा। जा रहे हो? पूरियों के लिए आटा ले जा रहा था ठकुराई। ओहो, तो फिर जल्दी जल्दी जाओ, बारात आई हुई है। थी, थी। आगे नहीं बढ़ना, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना।
नहीं तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। कमीने, मेरे जीते जी तू कभी मुझे हासिल नहीं कर सकता। ये रूह और ये जिस्म मेरी शाम की अमानत है। ज्योति, 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 ये तूने क्या किया? कमीने, कुत्ते, आ, आ कमीने, भैया, 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 तुम इसे मत छोड़ना, तुम इसे मत छोड़ना, मत छोड़ना, मैं बेटी को क्या हो गया? इसे ऐसे क्यों लेटा है? इसकी तो आज शादी है। ज्योति, उठो बेटा, उठ जा ज्योति, उठ जा बेटी। अरे लड़कियों, चुप क्यों खड़ी हो? सुहाग गाओ, गाओ। माँ, माँ, ज्योति नहीं रही, माँ, ज्योति नहीं रही। ज्योति, ज्योति बेटा, क्या हो गया ज्योति? ज्योति बेटा, उठ जा। बाबूला, 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 बाबूला।
पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद किसी किस्म की बहस या शहादत की जरूरत महसूस नहीं होती। लिहाजा मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा, पुरजोर अपील करूंगा कि इस मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि लोगों को सबक मिले। योर ऑनर, जिन हालात में मुजरिम ने जग्गू का कत्ल किया उस पर रोशनी डालनी बहुत जरूरी है। मैं सरकारी वकील से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जग्गू ज्योति को क्यों उठा के ले गया? उसकी इज्जत लूटने के लिए मिलॉर्ड, उस बेचारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं सरकारी वकील से पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन की लाश देखकर चुप रह सके? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी फाजिल दोस्त वकील साहिबा बहन भाई के रिश्ते के जज्बात में अदालत को उलझाकर खामखा वक्त ज़ाया कर रही हैं। खून खून है, कत्ल कत्ल है और जिसकी सजा है मौत, सिर्फ मौत। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, बयान जारी रहे। मिलॉर्ड, जग्गू की इस कमीनी हरकत से साफ जाहिर होता है कि जग्गू एक पेशेवर डाकू था। मैं अदालत के आगे विनती करती हूँ कि मुझे जग्गू की इस गांव में आने से पहले की जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड।
टाइम ग्रांटेड, अगली पेशी 15 दिन के बाद होगी। हम लोग आपका एहसान तो नहीं भूल सकते आशा जी, पर ये आपकी फीस। मिस्टर कारम, मैं ये मुकदमा पैसे के खातिर नहीं लड़ रही हूँ। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं धर्म के किसी काम आ रही हूँ। धर्म एक देवता है, उसने मेरी इज्जत बचाई है, क्या मैं उसके खातिर इतना भी नहीं कर सकती? बेटी, तू हमारे लिए देवी का रूप है, मेरे धर्म को तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता, तू इसे बचा ले बेटी। ये मेरी राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, इसको टूटने न देना। आपने मुझे बेटी कहा है, मुझ पर भरोसा रखिए। ए ज्योति। क्या? माँ, तुम्हारी आंखों में फिर आंसू, मैंने कितनी बार कहा है रोया मत कर। मैं तो अपने मन पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर क्या करूँ, डर लगता है कहीं उनकी तरह धर्म को भी। तू चिंता ना कर माँ, माँ की कृपा से इस साल अपनी फसल बहुत हुई है, मैं सारी फसल बेचकर ना धर्मे भैया के मुकदमे पे लगा दूंगा। फसल मार्केट पहुंचेगी तब ना। करम, रंजीत के आदमियों ने हमारी फसल को आग लगा दी है। क्या क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ, सारी फसल जल के तबाह हो गई है। रंजीत से टक्कर लेना इतना आसान काम नहीं। रुक जा कर्मा। तू हट जा माँ, इस कमीने ने मेरी खून पसीने की कमाई को जलाकर खाक कर दिया है, मैं इसे जिंदा जला दूंगा माँ। बेटा, जरा सोचो तो, तुम्हारे बाप के हाथों कत्ल हुआ और उन्हें फांसी लग गई, तुम्हारा भाई कत्ल के इल्जाम में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, और अब तुम? नहीं बेटा नहीं, भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम भी चिता को कौन आग लगाएगा? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू हट जा माँ। नहीं तो फिर पहले मुझे मार। तू बहुत खुशकिस्मत है रंजीत, जिसके लिए मेरी माँ के आंखों में आंसू आए, और माँ के आंसू बहुत कीमती होते हैं। जा, तुझे माफ किया।
जब वो एक खतरनाक मुजरिम था। उसका असली नाम विक्रम सिंह था और वो बरेली का रहने वाला था। उसने बरेली के एक बैंक में डाका डाला, 5 आदमी कत्ल किए और 10 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 10,000 रुपये का इनाम रखा है। यह है सारा रिकॉर्ड। That's all, my lord. मुझे पूरा भरोसा है आज धर्म रिहा हो जाएगा। इससे पहले कि धर्म रिहा हो जाए गुड्डी को उठा लाओ। हम गुड्डी को कर्म के काबिल नहीं छोड़ेंगे। समझ गया सरकार, समझ गया। मौकाए वारदात, धर्मचंद की दिमागी हालत और जग्गू का खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम साबित होना, ये सब मद्देनजर रखते हुए अदालत धर्मचंद वल दयाराम को बाइज्जत बरी करती है। गुड्डी को रंजीत के आदमी उठा के ले गए। क्या? हाँ। मेरी रानी। सरकार ऊपर जश्न मना रहे हैं, तुम नीचे जश्न मनाओ, लेकिन बाहर का परिंदा पर ना मारे। भागो यहाँ से, अब तो धर्म कर्म राहु केतु बरकर आ गए। अब गीला करते हैं तेरा नाड़ा। आओ। वो थोड़ा यहां भी आ गया। तुम इसको बांध दो। परम और धर्म। तुम दोनों से तो बहुत पुराना हिसाब किताब चुकाना है।
माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये दोनों मुझे जान से मार देते। माँ जी मुझे बचा लीजिए, माँ जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं ना कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। आप कहेंगी तो मैं गांव छोड़कर चल जाऊंगा। माँ जी मुझे बचा लीजिए, वरना ये मार देंगे मुझे। माँ जी बचा लो, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। माँ जी मुझे बचा लो। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बुढ़िया को गोली मार दूंगा। नहीं आगे नहीं बढ़ना, मेरा खून बह जाने दे, आगे मत बच्चों की दुश्मनी खत्म करने की कोशिश की। किसी को रुलाए और किसी को हंसाए, किसी को बिगाड़े और किसी को बनाए, जो चाहे तो पल में कर दे, डर नहीं उसे किसी का, ये है खेल मुकद्दर का।